फैट ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन बिजनेस और क्रिप्टो ट्रेडिंग की ट्रेनिंग वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना गुप्ता ट्यूब यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं राजेश, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आप यहां सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल या पीसी पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे सबसे पहले। और साथ ही साथ फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, गूगल प्लस, इन सभी को ज्वाइन करके रखिए हमारे साथ एनी टाइम अपडेट रहने के लिए। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन। हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि ब्लॉकचेन का अकाउंट कैसे बनाना है। आपको ये चीज़ सीखना है, जानना है, तो ध्यान से आप हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ के गूगल में आपको ये टाइप करना है www.blockchain.com, और वहाँ पर ये https ऐसा ये लगा रहना चाहिए। और यहाँ पर ये जो लॉक वाला जो है ऑप्शन, ये लॉक, ये ताला लॉक ऐसा लगा रहना चाहिए। ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ blockchain.com वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सब चेक कर लेंगे कि हम सही वेबसाइट पर हैं कि नहीं है। या आपको इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है, तो साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना है, अगर साइन अप पहले करेंगे तब लॉगिन करना होता है, तो आप क्या करेंगे, साइन अप पर क्लिक करना है ये ब्लॉकचेन का अकाउंट बनाने के लिए। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो इस टाइप का आपके सामने पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको डाल देना है अपना ईमेल आईडी, इसके बाद पासवर्ड, इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पे टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपका ईमेल आईडी सिक्योर हो और लाइफ टाइम चलने वाला आपका ईमेल आईडी हो। पहले आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन लॉगआउट करके चेक कर लीजिए कि हमारा ईमेल आईडी सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डालिए, सब मिला के ABCD कुछ मिला लीजिए, कैपिटल अक्षर स्मॉल अक्षर दोनों में रख लीजिए, और 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ डाल लीजिए, @H और परसेंटेज डॉलर ये सब कुछ लगा लीजिए, मतलब सब मिक्स करके कम से कम 8-9 अंक का पासवर्ड यहाँ पर डाल लीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और यहाँ टिक लगा के कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए, हम ये सब डिटेल डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करके फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ईमेल आईडी नहीं दिखाना चाहता हूँ। और आप भी जब ये ब्लॉकचेन का अकाउंट बनाएंगे, तो अपना ईमेल आईडी किसी सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर कहीं आप शेयर नहीं करेंगे अपने सिक्योरिटी के लिए। हमने यहाँ पर सारा कुछ डाल दिया, और डालने के बाद यहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद टिक लगाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे। ये देखिए, मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ईमेल कंफर्मेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है रिसेट ईमेल पर क्लिक करेंगे। रिसेट ईमेल पर क्लिक करने के बाद अपने जाएंगे ईमेल आईडी पर, ठीक है। रिसेट ईमेल पर क्लिक करने के बाद जाएंगे ईमेल आईडी पर, और ईमेल आईडी ओपन करके वहाँ कन्फर्मेशन करना होगा। ईमेल आईडी ओपन कर लिया, और यहाँ पर देखिए ये ईमेल आया हुआ है, और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये हमारा कन्फर्मेशन हो गया। अब ये देखिए, अब हमारा ये ब्लॉकचेन का अकाउंट फुली 100% ओपन हो गया है। अब यहाँ देखिए, बिटकॉइन पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर का बिटकॉइन का ऑप्शन है, यहाँ सेंड का ऑप्शन है, यहाँ से सेंड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्लॉकचेन का एड्रेस मिल जाएगा, जिसको आप कॉपी करके किसी को आप दे सकते हैं बिटकॉइन मंगाने के लिए, अपने ब्लॉकचेन के अकाउंट पर बिटकॉइन मंगाने के लिए। इसको आप यहां पर कॉपी कर लीजिए, इस यहां पर कॉपी हो जाएगा आपका, और कॉपी करके आप दे सकते हैं अगले पर्सन को जहां से आपको बिटकॉइन मंगाना है, इस एड्रेस पर आप अपना बिटकॉइन मंगा सकते हैं, वो आपके यहाँ ब्लॉकचेन के अकाउंट में आपका बिटकॉइन आ जाए। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात आपको बता दूं, ईमेल आईडी पर जो ये वॉलेट आईडी है, इसको आपको संभाल कर रखना है। इसी वॉलेट आईडी से आपका ब्लॉकचेन का अकाउंट लॉगिन होगा, और जो आप पासवर्ड डाले थे, इसी
वॉलेट आईडी से और आप जो पासवर्ड डाले थे साइन अप करते टाइम, उस पासवर्ड से आपका ये ब्लॉकचेन का आईडी लॉगिन होगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप संभाल के दो तीन जगह आप नोट करके रख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख के इसको रख लीजिए, ये वॉलेट आईडी को। अगर ये आपका गुम हो गया तो फिर आप अपना ब्लॉकचेन का आईडी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये मेन चीज है, इसको आप संभाल के रख लीजिए, कहीं नोटबुक में दो तीन जगह आप लिख के रख लीजिए, इसी से आपका ब्लॉकचेन का आईडी लॉगिन होगा इससे, और आप जो साइन अप करते टाइम जो आप पासवर्ड डाले थे उससे। यहाँ बैलेंस शो करेगा, यहाँ साइन आउट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट साइन आउट हो जाएगा, और यहाँ नीचे उसके नीचे लॉगिन, फिर लॉगिन करना होगा तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा, वही वॉलेट आईडी और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। देखिए ये अभी ऑटोमेटिक यहाँ पर अब बाय डिफॉल्ट रहेगा, अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप अगर फॉर्मेट होगा तो ये मिट जाएगा, तो उसको आप वॉलेट आईडी को संभाल कर रखिएगा, वही वॉलेट, ये जो वॉलेट आईडी आपको दिख रहा है इसी वॉलेट आईडी से और पासवर्ड से पासवर्ड डालेंगे जो आप साइन अप करते टाइम डाले थे, और लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका ये ब्लॉकचेन का आईडी, जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे ना तो फिर बोलेगा ईमेल आईडी पर जाने के लिए, तो ईमेल आईडी पर जब आप जाके कंफर्मेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका ये ब्लॉकचेन का आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो में सीख गए होंगे कि ब्लॉकचेन का आईडी कैसे बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल या पीसी पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।